मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों अब सितंबर भी आधा हो चुका है, आधा करीब सितंबर निकल चुका है। तो जो है सितंबर के महीने में गार्डन में किए जाने वाले बहुत ज़रूरी काम होते हैं, जिससे कि हमारा विंटर में गार्डन खूबसूरत दिखता रहे और जो है इसके अलावा हमारे प्लांट जो हैं हमेशा जो परमानेंट प्लांट हैं खूबसूरत रहें। तो उसके लिए सितंबर के महीने में गार्डन में किए जाने वाले बहुत ज़रूरी काम होते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपसे 15 के करीब ऐसे ज़रूरी काम बताऊँगी जिनको आप अपने अभी सितंबर से लेकर अक्टूबर शुरू तक ख़त्म कर देने पड़ेंगे उन काम को। तो वो बहुत ज़रूरी काम होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगी और ये सब बताती हूँ कि क्या क्या करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला काम जो है हमारा रेनी सीज़न आता है। रेनी सीज़न में जो है हमारे प्लांट जो हैं बहुत ग्रोथ करते हैं, ओवर ग्रोथ भी हो जाती है कई बार। तो उससे जो है प्लांट गार्डन जो है एक अजीब सा जंगल सा लुक लेने लग जाता है, कई बार बहुत अजीब दिखता है वो देखते देखते एक चीज़ को। हमको वैसे भी कोई भी चीज़ को, अगर जंगल भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं, पर जो है कभी किसी की चीज़ को हम लगातार देखते हैं, पिछले 5-6 महीने से उस चीज़ को हम लगातार देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर बोरियत सी होने लगती है उस चीज़ से। तो अपने प्लांट को अब जो है इस अभी सीजन में सितंबर के महीने में हमने क्लोनिंग करनी पड़ेगी। जो प्लांट ओवरग्रोथ हो गए हैं, खास करके जो प्लांट हमारे पॉट में लगे हैं उनको तो बिल्कुल शेप में रखना पड़ता है, तभी वो प्लांट जो है खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो देखिए चांदनी में कितनी भर भर के इस समय फ्लावरिंग हो रही है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों जिन काम जब हम प्लांट की जो है क्लोनिंग वगैरह कर लेंगे, ज़्यादा जो ग्रोथ है उसको शेप में रख लेंगे, तो उसके बाद जो है हमारी मिट्टी जो होती है पूरी बारिश में पानी पड़ता रहता है, इनमें कितनी भी गुड़ाई करते हैं, पर इस समय अब हमने थोड़ी सी डीपली गुड़ाई करनी पड़ेगी। अपने हर प्लांटर छोटी मोटी जो भी क्यारियां हैं हमारे पास उनमें सब में गुड़ाई करनी चाहिए इस समय। तो गुड़ाई के बाद जो मिट्टी दबी होती है बारिश के पानी से वो काफ़ी अच्छी खिलती है और उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो जो भी प्लांट लगाया होता है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। नंबर तीसरा कि इस समय जो है हमने अपने गार्डन में डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो बारिश के मौसम में कई प्लांट हमने जो है बिल्कुल एकदम ऐसे सटा सटा के रखे होंगे कि बारिश का पानी ना पड़े, तो जो भी कारण रहे हो उसके अलावा क्या होता है कि बारिश के पानी में जो मिट्टी जो पॉट से गिरती है तो कितनी भी सफाई करने के बावजूद जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत जम जाती है। तो अब सीजन आ गया है कि हम अपने पॉट्स को हटाकर वहाँ पर डीपली झाड़ू वगैरह लगाएँ, उसकी जो पॉट के आसपास की बेहतरीन से सफाई करें, तो ये बहुत ज़रूरी है इस सीजन में, क्योंकि सितंबर के बाद जब जो ठंड पड़ेगी तो जितनी भी हम गार्डन में अगर गंदगी वगैरह रखेंगे, पॉट में जो है बीट्स वगैरह हैं उनको भी उखाड़ के इस समय गुड़ाई करते हम हटाना है। और जो है इसके बाद जो है अगर आप उसी में कोई पत्ते सूखे पड़ गिर जाते हैं पॉट में उनको भी हटाना पड़ता है इस समय। तो हटाने से क्या होता है कि उसमें जो है फंगस वगैरह का पॉट में अटैक नहीं होगा, जो प्लांटर में जो प्लांट लगे हैं उन पर फंगस का अटैक नहीं होगा, तो प्लांट हमारे हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे कई प्लांट होते हैं कि जो साल भर से जो परमानेंट प्लांट हमने पॉट में रखे होते हैं, तो उनकी इस समय हमने अगर वो रूट बाउंड हो गए हैं तो उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने से वो प्लांट अच्छे ग्रोथ करते हैं, आप चाहें तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो नया पॉट दें। अगर मैं तो कई बार उनको नया पॉट न देकर उनकी जो है रूट क्लोनिंग करके उसी प्लांट में लगा के रिपोर्टिंग के बाद मेरे पास ऐसे, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक ही पॉट में बहुत साल हो गए हैं। जैसे देखिए मेरा ये अरेलिया का प्लांट है, इस प्लांट को काफ़ी साल हो गए पर मैं इसको हर साल जो है रिपोर्ट तो करती हूँ पर इसको जो है नया पॉट नहीं देती हूँ, फिर से उसी पॉट में रखने से देखिए इस प्लांट की आपको इसकी स्टेम बता रही होंगी कि ये काफ़ी पुराना प्लांट है। नेक्स्ट काम गुड़ाई करने के बाद जो है जब हम सफाई वगैरह क्लोनिंग वगैरह सब कर दें तो इसके बाद अपने जो प्लांटर हैं उनमें जो है इस समय अच्छी सॉइल दे अच्छी फर्टिलाइज़र देने का टाइम है। इसके लिए आप अपने प्लांटर में जो है अच्छे से जो है काउडंग या बर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम खली, थोड़ी सरसों खली और भी जो आप लोग जो केमिकल रूप से यूज करते हैं तो वो केमिकली DAP या NPK कुछ दाने इस तरह डाल सकते हैं, और जो लोग ऑर्गेनिकली अपने गार्डन में अपने प्लांट लगाते हैं तो वो लोग जो है काउडंग कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट वगैरह का ज़्यादा मात्रा में यूज करें अच्छी तरह से, जिससे कि सर्दियों की सहन करने की जब ठंडे पड़ेंगी तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं परमानेंट प्लांट जो होते हैं इनको ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो थोड़ी मात्रा में उसमें सरसों की खली, फंजीसाइड और नीम खली और बर्मी कंपोस्ट या जो है काउडंग कंपोस्ट जो बहुत पुराना होता है उन सबको मिलाकर अपने प्लांटर की गुड़ाई करके परमानेंट प्लांट को ये खाद जरूर देनी चाहिए, जिससे कि वो सर्दियों की ठंड को सहन कर सकें, क्योंकि उनसे जो खाद जो होती है प्लांट को थोड़ी सी हीट देती है। तो जब विंटर आने वाला है इसके बाद तो अपने परमानेंट प्लांट की इस तरह से इस समय फर्टिलाइज़र देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों जब भी मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, बारिश के बाद जो होता है फिर जो है बसंत का सीज़न आता है, सॉरी विंटर सीज़न आता है, यानी कि क्लाइमेट में चेंजेज होते हैं, तो इस समय जो है इंसेक्ट का बहुत अटैक होता है। इस समय अपने जो आपके प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं या सीजनल प्लांट जैसे जीनिया वगैरह होती हैं, तो इसमें जो है पॉटरी मिल्डू का अटैक हो जाता है और भी कई भी लीफ माइनर भी कई चीज़ें प्लांट में जो है अटैक करते हैं। इसलिए हर जो है 8-10 दिन के अंतराल से नीम ऑयल में जो है अच्छी तरह से स्प्रे करिए, नहीं तो जो केमिकली स्प्रे करते हैं वो ओमेडा क्लोप्रे जो होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो हम तो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल में थोड़ी सी मात्रा में मैं जो है ये खाने का जो सोडा होता है उसको भी 2 चम्मच मिलाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो ये काफ़ी और सोपी वाटर से जो है, पर अगर आप रेगुलरली अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक का, तो आपके प्लांट में अटैक कीड़ों का नहीं होगा, इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। तो ये देखिए चांदनी, और साथ ही जो है बगल में ही जो है ये गुड़हल का जो फ्लावर इस पर अटक गया, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसके बाद जो है अपने सैकुलेंट प्लांट को बचाने के लिए हमने बारिश से उनको छुपा छुपा के जैसे रखा होता है कि कई बार जो है सैकुलेंट प्लांट बारिश से पानी से गल जाते हैं, तो अब विंटर आ रहा है, उनमें थोड़ी सी आप जो है फर्टिलाइज़र करके उनको थोड़ी बहुत सनलाइट दीजिए। सनलाइट देने से उनमें अच्छी ग्रोथ होगी। कई बार सैकुलेंट प्लांट को इनडोर प्लेस करने से यहाँ जहाँ पर बहुत कम धूप पड़ती है वहाँ पर रखने से वो लैगी हो जाते हैं, उनका शेप ख़राब हो जाता है। तो अब समय आ गया है कि उनकी भी थोड़ी सी केयर की जाए। सैकुलेंट केयर का इस समय बहुत अच्छा समय होता है, सैकुलेंट विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। दोस्तों इस समय जब भी धूप आती है तो अपनी विंटर के लिए जो आप सॉइल को है उसको स्टरलाइज कर लीजिए, थोड़ी धूप दिखाइए। धूप दिखाने से जो उसमें इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनका खतरा कम रहता है प्लांट पे, तो प्लांट अच्छी हमारे पास विंटर के प्लांट अच्छे चलेंगे। तो अपनी सॉइल को तैयार करके तैयारी करिए और साथ ही उसमें जो है धूप में ज़रूर दिखाइए अपनी सॉइल को। रेनी सीजन में हम लोगों ने जितनी भी कटिंग लगाई थी वो अधिकांश रेडी हो गई होंगी। परमानेंट प्लांट हैं तो उनके लिए जो है उन्होंने ग्रोथ पकड़ ली, तो उनको शिफ्टिंग करने का टाइम बहुत अच्छा होता है। अभी शिफ्ट करेंगे तो हम दूसरे प्लांट में जो है, परमानेंट प्लांट ऐसे होते हैं कई बार समर में उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी थोड़ी हीट है तो वो अच्छी ग्रोथ कर लेंगे विंटर आने पर तक, क्योंकि विंटर के बाद जो है उनका थोड़ा डॉर्मेंसी पीरियड होगा, उस समय आप शिफ्ट करेंगे तो उनमें अच्छे रिजल्ट नहीं रहते। तो इस समय गार्डन में जो है अपनी कटिंग को शिफ्ट करने का भी बहुत अच्छा समय होता है। दोस्तों हमारे कई फ्रेंड ने जो है अपने विंटर के प्लांट जो समर की धूप से बचाए होंगे, फिर रेनी सीजन की जो भयंकर बारिश होती है उससे बचाए हैं, तो उनको भी अब जो है कटिंग लगाने का टाइम बहुत अच्छा है। इनकी भी कटिंग हम लगा के नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये बिगोनिया का प्लांट है, इन सबकी इस समय कटिंग लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ठंड शुरू हो चुकी है हल्की सी। दिन में तो बहुत तेज़ धूप रह रही है, पर दिन की धूप से इन प्लांट को बचाना है। जिन लोगों ने अभी तक विंटर के सीड परचेज नहीं कर रखे हैं वो लोग विंटर के सीड जो है परचेज कर लें टाइम से, क्योंकि इनको लगाने का टाइम जो है 15 सितंबर से शुरू हो जाता है, पर 15 सितंबर से वो लोग लगाते हैं जिनके यहाँ टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से नीचे होने लग जाता है। क्योंकि जो है अगर 30 डिग्री से ऊपर टेम्पर, वैसे तो जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है, पर 30 डिग्री से नीचे जिनके यहाँ थोड़ा होने लग गया है तो वो लोग अपने सीड जर्मिनेट करने लग सकते हैं। तो अभी हम थोड़े दिन और रुक रहे हैं, इस समय जो है अपने पास आप सीड का कलेक्शन कर लें टाइमली, तो बाद में जो है हमें जब किसी के यहाँ वो फ्लावर्स खिले हुए दिखते हैं, अरे हमने इसके सीड नहीं लगाए, तो इस बात का अफसोस रहता है। नर्सरी से कितने भी प्लांट ले आए तो उससे वो बात नहीं होती है जितना कि हमारे खुद के जो सीड जर्मिनेशन से जो प्लांट तैयार होते हैं, फिर एक सीड की जो है जर्नी भी देखने में बहुत अच्छा आनंद रहता है। तो अभी जो है अपने पास जो विंटर में लगने वाले प्लांट के सीड्स वगैरह आप परचेज कर लें। साथ ही जो है पॉट की कमी भी विंटर में बहुत रहेगी, क्योंकि विंटर में इतने प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए पॉट की कमी हर किसी के पास बनी रहती है, तो अभी ही से जो है हम पॉट परचेजिंग वगैरह भी कर लेना चाहिए। दोस्तों बारिश के कारण जो है पॉट वगैरह की स्थिति भी ख़राब होती है, बाहर से जो है कितने भी अच्छे कलर किए होते हैं तो बारिश से वो जो होते हैं इस तरह के हालात में हो जाते हैं, तो इनके लिए अब पेंट वगैरह करने का काम भी शुरू हो जाना चाहिए। जिनके यहाँ बारिश बंद हो गई वो लोग अपने यहाँ पेंट वगैरह करने का काम कर सकते हैं।
दोस्तों विंटर में आते ही जो कि बहुत सारे प्लांट लगाने हैं, तो साथ ही जो है अपने पास नीम खली, सरसों खली, फंजीसाइड ये सब लेके हमने रख लेना चाहिए, साथ ही बर्मी कंपोस्ट वगैरह, क्योंकि जो विंटर के सीजनल प्लांट होते हैं उनकी एज जो होती है कम होती है, कम ही टाइम में उन्होंने सीड भी बनाने होते हैं, ग्रो भी होना होता है, सीड भी बनाने होते हैं और फ्लावरिंग भी करनी होती है, तो उसी सीजन में जो है छोटा सा लाइफ साइकिल होता है उनका, तो इसलिए उनको भरपूर मात्रा में जो है खाद देनी पड़ती है विंटर के प्लांट को, तो इसलिए जो है अपने पास इन सब चीज़ों का कलेक्शन आप कर लें, अच्छी सी मात्रा में बर्मी कंपोस्ट वगैरह ले लें या काउडंग कंपोस्ट ले लें, ये बेसिक है, और इसके साथ साथ उसमें नीम खली और थोड़ी मात्रा में सरसों खली, फंजीसाइड जरूर अपने पास ला के रख लेना चाहिए। दोस्तों बारिश के बाद जो सीजन आने वाला होता है वो रोज प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, रोज की जो प्लांट की फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छी होती है, तो अपने रोज प्लांट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके प्लांट जो है ज़मीन में लगे हैं तो उनमें थोड़ी सी खुदाई कर दीजिए, आर पर तो एक दो दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो धूप के संपर्क में आने से मरते हैं, ख़त्म होते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए जो है अपने रोज प्लांट के आसपास थोड़ी सी खुदाई करके उसमें बहुत सारी अच्छी सी जो है काउडंग और सब चीज़ें मिला के अच्छा सा जो एक प्रपोर्शन मिला के अपने प्लांट की जो ज़मीन में लगे हैं उनमें अच्छी मात्रा में दीजिए, तो आपके जो विंटर में जो है उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो है ये कोलियस वगैरह का कलेक्शन हमने समर में जहाँ तहाँ से खूब बेहतरीन कलेक्शन करने की कोशिश की होती है, तो ये कोलियस के प्लांट जो है विंटर में टोटल डोरमेंसी में से हो जाते हैं, इनके जो है कलर अच्छे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े प्लांट तो वैसे भी ज़्यादा जो है अनसेफ दिखने लग जाते हैं, तो अपने जो है कोलियस वगैरह की कटिंग आप इस समय लगा दीजिए और छोटे छोटे, जिससे कि जो है आपके अगर मदर प्लांट ख़राब भी होते हैं तो आपके पास नए प्लांट का कलेक्शन बना रहेगा, कोलियस जो है फिर फरवरी मार्च फिर से अच्छी ग्रोथ करने लग जाते हैं, और अगर कुछ कुछ जो है आप अगर सनलाइट में प्रॉपर सनलाइट में प्लांट को रखेंगे तो ये विंटर में भी जो है आपको अच्छा फॉलिएज देते हैं, तो इसलिए जो है इसकी नए प्लांट में बहुत ज़्यादा खूबसूरती रहती है वरन की जो पुराने प्लांट होते हैं। ये देखिए मैंने भी कटिंग से नए प्लांट तैयार करने लग गई हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपको 15 के करीब जो है ऐसे काम बताया जो सितंबर के महीने में हमने गार्डन में ज़रूर करने चाहिए, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, देखिए ज़रा कितना सुंदर दिखाई दे रहा मुसंडा फूलों से पूरा भरा पड़ा है, देखिए बहुत खूबसूरत, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।